गाइस व्हाट इज अप, होप यू आर हैविंग अ ग्रेट डे। तो गाइस आज की वीडियो में ये मैं बता रहा हूँ, आज की वीडियो है उसके बारे में, कॉल ऑफ ड्यूटी की बिगनर्स टिप्स एंड ट्रिक्स है भाई। तो देखो अब मैं पहले बता रहा था, इस गेम में हिप फायर मत करो, 5 से 10 मीटर तक प्रो बंदे होंगे सीधा मतलब ख़त्म कर देंगे वो आपको 2 मिनट में। तो गाइस मतलब मैं आपको पहला बिगनर लोड आउट जो सजेस्ट करने वाला हूँ वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, मैं आपको बहुत सी नई चीज़ें भी बताऊंगा। तो गाइस हम पहले देख लेते हैं हमें पहली 10 लेवल तक कौन सी गन्स मिल जाती हैं। तो पहले वहाँ पे देखते हैं, हाँ तो पहले M4 फ्रैग ग्रेनेड और ये प्यूरीफायर इसको लगा लो भाई, टॉप राइट मिडल में यहाँ पे होती है, जहाँ पे मैं अभी दबा रहा हूँ जहाँ पे 5 लिखा पड़ा है यहाँ पे होती है, तो यहाँ पे उसको दबाना तो ये फ्लेम थ्रोअर होती है। फिर नंबर 4 लेवल 4 पे ICR मिलती है, ICR को यूज़ करो भाई, ICR बहुत होती है। और 9 लेवल पर आपको M4 LMG मिलती है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो आपको क्या करना है अभी मैं आपको दोनों का क्लास सेटअप बना के दिखाता हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं इस पर, और अरे तो टाइप 25 है, सॉरी ICR 1 पर जाएंगे हम। क्विक वेप इफेक्ट कर लेते हैं हम इसको, अभी मेरे पे जब आप खरीदोगे तो आप पे जब आपको मिलेगी तब आप पे अटैचमेंट्स नहीं होंगी, बट मैं आपको इसकी बेस्ट अटैचमेंट्स बता देता हूँ, जो कि मेरे लिए तो भाई एक YKM इंटीग्रल सप्रेसर लगाओ भाई, रेड डॉट साइट ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगता है लगा लो, फिर कोई भी स्टॉक जो आपको अच्छा लगता है लगा लो, मेरे को तो ये बहुत प्रेफर करता हूँ मैं, ये इससे ADS बुलेट स्पीड एक्यूरेसी भी नहीं, ये वाला है हाँ, इससे बुलेट स्पीड एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है, फिन स्टेबिलिटी भी, तो मैं ये प्रेफर करता हूँ। अंडर बैरल मैं यही करता हूँ, स्ट्राइक 4 ग्रिप। तो हमारी 3 अटैचमेंट्स हो चुकी है, फिर मैं एम्यूनेशन पे 50 राउंड फास्ट रीलोड मैं लगाता हूँ, अच्छी है बट मेरे को इतनी ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसलिए मैं ये वाली लगा देता हूँ। और मैं कुछ गलत कर रहा हूँ मेरे ख्याल से, शायद मैं स्टॉक नहीं लगाता मैं, क्योंकि ADS स्पीड कम कर देगा, इसके बजाय आप लगा दो स्टिपल्ड ग्रिप टेप, ग्रैनुलेटेड नहीं स्टिपल लगा दो, और 50 राउंड की जगह मैं ये लगाऊंगा। अभी देखते हैं ये मैंने सही लोड आउट करा है या नहीं करा है, अभी मैंने 8वें लोड आउट में बनी पड़ी है पहले से ही एक ICR1, उसका गन्स में देख लेते हैं हम। तो इस पर मैंने YKM इंटीग्रल सप्रेसर नहीं लगाया है, बट सब कुछ तो सेम ही है, लाइट सप्रेसर मत लगाना या तो मोनोलिथिक लगाना, बस वो ADS स्पीड कम करेगा। हाँ तो गाइस ये तो मेरी हो गई ICR1 की लोड आउट। तो अब मैं जाता हूँ दूसरी LMG की तरफ, जो कि है हमारी M4 LMG, सॉरी भाई अब नहीं खेलना मेरे को, हम जाते हैं M4 LMG पे अभी, LMG में जाएंगे, ये अभी तो मेरे को लग रही है बेस्ट SMG है, LMG है, तो उस पर मैं लगाऊंगा रेड डॉट, मैं ये लगाऊंगा, एक तो मैं ये नहीं लगाऊंगा मेरे को कुछ पसंद नहीं है। एम्यूनेशन लगानी तो लगा लो, ADS स्पीड बढ़ जाती, मूवमेंट भी बढ़ जाती, सब कुछ बढ़ जाता है। तो मेरी भी ये अच्छी उतनी खास अपग्रेडेड नहीं है, मैं नॉर्मल वाली भी दिखा देता एक बार, ये इसमें भी बस थोड़े बहुत ही अटैचमेंट्स पड़े हुए हैं। तो ये तो मेरी लोड आउट है भाई, टैक्टिकल 4 ग्रिप मत लगाना है, स्ट्राइक 4 ग्रिप लगाना। हाँ तो ये स्ट्राइक 4 ग्रिप है, स्टिपल ग्रिप टेप है, YKM लाइट स्टॉक है, अगर ये मिल जाए तो ये तो मत ही लगाना, लाइट स्टॉक ही मैं प्रेफर कर रहा हूँ अभी, क्योंकि यार देखो भाई इसका ना RTC रेड स्टडी स्टॉक ADS स्पीड कम करता है, और LMG इसका पहले से ही बहुत कम ADS स्पीड है, तो आई डोंट रिकमेंड यूजिंग दिस, इसका इस गन का रिकॉल भी बहुत कम है। ये लगा लो भाई अच्छा रहेगा, डैमेज ऑन रेंज बस कम, इससे डैमेज ऑन रेंज कम हो जाएगी तो मत लगाना। ये तो भाई फिर हो गई M4 LMG की। अब गाइस ये जो दो कॉम्बो है ना, ये इतना सही चलता है ना, ऐसे मारोगे बंदों को मतलब इतनी स्मूथली बंदे मरेंगे ना,
बहुत स्मूथली बंदे मर जाएंगे। अगर आपको इंटीग्रल सप्रेसर नहीं लगाना तो फिर मोनोलिथिक लगा दो, तो पता ही भी है। तो अब भाई ये तो हो गया, अब आप लोग सोच रहे होंगे अब मैं इसको कैमो कहाँ से मिलेंगे बढ़िया बढ़िया। तो गाइस आपको दिख रहा है कि यहाँ पर मेरी गोल्ड कैमो है। अभी गोल्ड कैमो वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको क्या करना है। सारी कैमोज आपको अनलॉक करनी है, इन सबके सेट सर्टिफाइड मिशन होंगे। टाइगर, जंगल, रेप्टाइल। रेप्टाइल के होते हैं किल, लाइक एक पता नहीं किल एनिमीज है, एनिमीज को किल करना है बिना अटैचमेंट्स के। इसमें हेडशॉट से किल करना है, इसमें फुल अटैचमेंट के साथ, मतलब 5 पूरी अटैचमेंट से किल करना है। इसमें लॉन्ग रेंज किल करना है, इसमें हिप फायर से करना है, और इसमें बस किल करना है। और अब फिर आपको ये सारे जब हो गए ना, फिर आपको एक मैच खेलने गन के साथ फिर आपको गोल्ड मिल जाएगी। और प्लैटिनम कैसे मिलेगी, प्लैटिनम आपको सारी एआरस के लिए गोल्ड लाना पड़ेगा, फिर आपको सारी एआरस की प्लैटिनम भी मिल जाएगी। अब सबसे आसान तो भाई एसएमजीज गए, तो मैं एसएमजीज पे ध्यान देता हूँ। बस मेरी कौन सी एसएमजी बची है, बस ये बची है, ये बची है, हाँ बस फेरो कॉर्डाइड बची है, और वो फिर हो जाएंगी। तो गाइस अब मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी स्ट्रांग है ये M4 LMG और ये ICR। Hostiles jamming our radar. Friendly hunter killer drone deployed. Reloading, cover me. Keep on them, we're winning this one. Targets in sight.
Target in sight. Lost the lead. Reloading. Cover me, reloading. Tied for the lead. Reloading. Cover me. Frag out! I got shot. Lost the lead. Enemy in sight! It's too close. Fight harder. We lost the lead. We tied for the lead. We've taken the lead. Back up. Hunter killer drone deployed. Enemy in sight. Friendly sentry gun deployed. Down. Stealth chopper inbound. Hostiles have destroyed your sentry gun. I got shot. Enemy contact. Enemy contact. UAV spotted. Enemy UAV spotted. We'll be right back.